बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करती हूँ। इफ़ वन ओवर ए, वन ओवर बी, वन ओवर सी आर इन जीपी, शो दैट कॉमन रेशो इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए ओवर सी। आपको थ्री टर्म्स गिवन है, वन ओवर ए, वन ओवर बी एंड वन ओवर सी। हमने प्रूव करना है कि जो कॉमन रेशो है वो हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर सी के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ सिंस ए ओवर वन ओवर ए, वन ओवर बी, वन ओवर सी आर इन जी पी, लेट आर बी द कॉमन रेशो of the GP, so this implies R is equal to, पहले मैं first two terms का common ratio लेती हूँ, second term divided by first term, term 1 over B divided by 1 over A, and this is equal to A over B, इसको first कह देती हूँ। उसके बाद सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान कॉमन रेशो लेते हैं, आर इज़ इक्वल टू वन ओवर सी डिवाइडेड बाय वन ओवर बी, एंड दिस इज़ इक्वल टू बी ओवर सी, इसको सेकंड कह देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाइंग वन एंड सेकंड, so this is equal to r into r, r square is equal to a over b into b over c, b से भी cancel, this implies r square is equal to a over c। अब हमें r square नहीं, simple हमें r चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो common ratio let किया वो हमारे पास क्या r है। ठीक है, तो दोनों साइड पे मैं square root ले लेती हूँ, taking square root आर स्केयर ओवरऑल स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ ए ओवर सी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ए ओवर सी, हैंस प्रूव्ड इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।